हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सफाई कर्मचारी का टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। आप क्वेश्चंस को लास्ट तक देखिएगा और चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक, उन कैंडिडेटों को मैं बोलना चाहता हूँ जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस काफ़ी मेहनत से आपको बना कर देता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन है, कहीं से भी लाओ, पर आपको क्वेश्चंस मिलने से मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप करिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए और आने वाले एग्ज़ाम के समय अच्छे से आप प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि मेरा यही टारगेट है यूट्यूब चैनल का, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैं टोटल करवाने वाला हूँ सफाई कर्मचारी का, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने से जितने शेयर हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को प्रॉफिट हो सके और क्वेश्चंस मिल सके। ठीक है, और शेयर कीजिएगा। उसके संग संग आप चैनल पर पहली बार अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। मेरे चैनल पे काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, और आपका जो मैथ रीजनिंग और जीके और इंग्लिश आइदर हिंदी का भी क्वेश्चंस मैं इस चैनल पे डाला, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर देखिए, उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और अपना स्कोर बढ़ाइए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है सफाई कर्मचारी में। चलिए आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं और एक एक क्वेश्चंस को पूरी बारीकी से समझा के आपको ऑप्शन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला है नंबर वन क्वेश्चंस में, एरम साइंटिफिक सॉल्यूशन EAS, इसका शॉर्ट फॉर्म है प्राइवेट कंपनी मेड ई टॉयलेट इन इंडिया, ESS कंपनी बिलोंग विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसका कहने का मतलब है कि ESS कंपनी जो कि भारत में ई टॉयलेट बनाया था, यह कंपनी कौन सी राज्य का था वो आपको बताना है। यहाँ चार ऑप्शन आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है और असम है। इनमें से कौन सा होगा जहाँ पे एरम साइंटिफिक सॉल्यूशन एक कंपनी है, जो कि सबसे पहले इन चारों राज्यों में से कोई एक राज्य है जिसमें इन्होंने एक ई टॉयलेट बनाया था, उसके बाद अदर स्टेट में बने थे। सबसे पहले कौन सा स्टेट में बना था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केरल राज्य है, सबसे प्रथम इसी जो केरल राज्य है यहीं पर एक कंपनी है, जो कि कंपनी कौन सी राज्य में है। तो ये जो एरम कंपनी जो है, आप देख रहे हैं एरम साइंटिफिक सॉल्यूशन, ये जो ई टॉयलेट बनाता है, ये सबसे पहले बनाया था, वो केरला में स्थित है, जो कि ऑप्शन सी आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, और आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता। ये जनरली CRPF के तरफ से कोई भी क्वेश्चंस पब्लिश नहीं किया जाता है, जहां तक से आपको मिल जाता है, क्योंकि वेबसाइट पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर लिख ले। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर, अगर पेटीएम पे आप अगर पे करते हैं तो आपको, अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहाँ पर मैं अपना नंबर दे दूँगा, वहाँ पे आपको पे करना है इसका फ़ीस, और आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा। इसका ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि इस तरह आप अपने PDF ले सकते हैं इसका, मेरे पास बहुत सारा PDF पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, बोला है कि इन दिस फॉलोइंग विच टाइप्स ऑफ ले स्पेशली यूज फॉर टॉयलेट मेकिंग, कौन सी चिकनी मिट्टी जो कि टॉयलेट बनाने में काम आता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अर्थन वेयर, ऑप्शन बी दिया है स्टोन वेयर, ऑप्शन सी दिया है सिरेमिक और ऑप्शन डी दिया है बॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बात समझ लीजिए, जो घर में आप लोग प्लेट वगैरह यूज़ करते हैं, चिकनी मिट्टी की प्लेट बनाई जाती है, वो कि चाइनीज़ प्लेट होते हैं, जिसमें हम लोग घर में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कोई भी अगर मेहमान वगैरह अतिथि देव आते हैं तो उनको मैं उसी प्लेट में काफ़ी लोग देते हैं, इससे सिरेमिक का यानी वो चिकनी मिट्टी का बना होता है। तो उसी तरह आपका जो टॉयलेट का जो पेन होता है वाइट कलर का, या कोई भी कलर का जो पेन होता है जो हम लोग बाथरूम में यूज़ किया जाता है, वो
सिरेमिक का बना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आप दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, सिरेमिक से हम लोगों का टॉयलेट का जो वाइट कलर का पेन होता है, ये गमला टाइप का, वो बना होता है। तो उसी तरह आपका करेक्ट आंसर ऑफ सिरेमिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च ऑन द ओकेशन ऑफ महात्मा गांधी बर्थडे एनिवर्सरी, विच वन वाज इट। यानी स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जी की जन्म वार्षिक में शुरू हुआ था, इसमें से कौन सी वार्षिक था, यानी कौन सा वर्ष था, मतलब कौन सा वार्षिक था, मतलब वर्ष का जो नंबर होता है वो कितने वर्ष का था। तो यानी ऑप्शन ए दिया 140वां, ऑप्शन बी दिया 145वां, ऑप्शन सी दिया 150 और ऑप्शन डी दिया 149। तो यहाँ पे आप समझ ले कि जो 2014 में अभियान चालू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, 2014 से लेकर उससे पहले उनका, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, जब से लेकर 2014 तक अगर आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे 145 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145वां छा वार्षिक, जो कि यहाँ पे जन्मदिन के वो अवसर पर उनका स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था, यानी इतना दिन का गैप था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर 145 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितने भी आपके दोस्त बंधु हो उसमें। ठीक है, अगर टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको मैं लेटेस्ट अपडेट वगैरह देते रहता हूँ, तो वहाँ पे आप ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है व्हाट इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट कॉल्ड, यानी चर्म विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, जो चमड़े के रोग स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको क्या बोला जाता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बन जाएंगे जो मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि सीआरपी पैरा मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, जैसे मेडिकल साइंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे बोला है विशेषज्ञ चर्म लोग को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन ए दिया डेंटिस्ट, यानी डेंटिस्ट तो होता है, दांत के डॉक्टर को बोला जाता है। ऑप्शन बी डर्मेकोलॉजी, ऑप्शन सी दिया है और फिर ऑर्थोफेलॉजी या कार्डियोलॉजी। तो ये सब सभी के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, बुक अगर आपके पास है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अगर कमेंट करके बोलते हैं तो जितने भी स्पेशलिस्ट हर चीज़ का होता है उसका क्या बोला जाता है उसे मैं इसके ऊपर एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके बोलते हैं तो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आया तभी मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, डर्मेटोलॉजी हम लोग बोलते हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट को होते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो जो इसी तरह लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है फॉर हुम वाज द फर्स्ट बायो टॉयलेट वाज बिल्ट, यानी सबसे पहले किसके लिए बायो टॉयलेट बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं रेलवे, ऑप्शन बी आर्मी सोल्जर, ऑप्शन सी स्कूल और ऑप्शन डी पब्लिक एरिया। तो यहाँ क्वेश्चन का करने का मतलब है कि सबसे पहले बायो टॉयलेट कहाँ किसके लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर है आर्मी सोल्जर के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो DRDO ने इसे बनाया था, DRDO ने, जो कि आप कमेंट करके बताएंगे कि DRDO का स्थापना कब हुआ था, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं। तो यहाँ पे जो DRDO ने बनाया था इसलिए कि जो लेह लद्दाख में वहाँ पे ई टॉयलेट की काफ़ी ज़रूरत था, क्योंकि वहाँ पे इस ई टॉयलेट में पानी की संख्या कम लगता है, यानी पानी इसमें कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए लेह लद्दाख में जितने भी हमारे सोल्जर रहते हैं उनके लिए ई टॉयलेट बनाया गया था, तो DRDO के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इतना ही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्मी सोल्जर के लिए बनाया था सबसे पहले, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो चलिए इतना ही क्वेश्चंस था, आई होप कि ये क्वेश्चंस काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जो कि टोटल 12 से 13 मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको 15 मैथ मिल जाएगा, 15 हिंदी का क्वेश्चंस या इंग्लिश का क्वेश्चंस मिक्स किया हुआ है, जो भी आप लैंग्वेज में करते हैं
और 10 मैथ 10 रीजनिंग का क्वेश्चन है, 10 जीके जीएस और जीए का क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें टोटल 50 नंबर का जो पार्ट ए का पेपर आएगा उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। उसमें डिटेल में बताया है, पार्ट ए पेपर में आपका टोटल 50 नंबर का आएगा और पार्ट बी पेपर में आपका टोटल 50 नंबर का ट्रेड क्वेश्चन आएगा। जो भी ट्रेड से आप अप्लाई किया, अगर सफाई कर्मचारी की है तो सफाई कर्मचारी के ऊपर भी एक मॉक टेस्ट में रखा था, जिसमें 50 क्वेश्चंस के ऊपर आपका टेस्ट लिया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें काफ़ी लोगों का स्कोर अच्छा भी था, जो कि टेलीग्राम में मैं इसका आंसर की भी डाल दिया था, जो कि आप लोग वीडियो में कमेंट करके बोले थे। अगर नहीं दिए तो उसको आप देख सकते हैं, तो आप जाके जरूर देखें, क्योंकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से जाके दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।